नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की जिंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना मत भूलिए बाद में वीडियो देख के। बस अब सुबह का थोड़ा सा काम खत्म करके आके इधर खड़ी हूँ, बाहर घर का बाहर का जगह है तो बाल धो के नहाई तो बाल भी सूखना है तो खुला छोड़ी हूँ। थोड़ा सा तो है बाल, जल्दी सूख जाएगा। पहले मुझे बहुत लंबी बाल था, जब कॉलेज जाती थी तो लंबा बाल था, पतला सा था लेकिन लंबा था बाल। अभी नहीं है, पूरा खत्म हो गया, पूरा झड़ रहा है बाल, पूरा झड़ रहा है। पता नहीं, मैं हम लोग घर चेंज करते रहते हैं बार बार तो पानी भी चेंज होता है, फिर एक उम्र के बाद तो झड़ ही जाता है। तो मेरी बेटी को बहुत अच्छी थी बाल, बहुत लंबा और घना बाल भी था और कर्ली बाल था उसका, मतलब मेरी सासू माँ का बाल कर्ली बाल था, तो वही उसको भी आ गया वही आदत। तो कर्ली बाल था, घना बाल था, पता नहीं आजकल बहुत झड़ गया, बहुत कम हो गया उसका बाल, नहीं तो बहुत सुंदर था, सभी लोग बहुत उसको ये कहते थे। हम साउथ इंडिया में ना बाल काटने वाले बहुत कम हैं, चोटी बनाते हैं ज़्यादातर, बाल काट के छोटा बाल बनाने वाले बहुत कम हैं, लोग लंबा बाल पसंद करते हैं यहाँ साउथ इंडिया में, क्योंकि हम लोग फूल लगाते हैं ना, बालों में फूल लगाना हमें बहुत ज़रूरी है और बहुत कॉमन बात है, तो इसलिए बाल तो चाहिए हमें। और शादी वादी है तो पक्का फूल फूलों में रहता है। मेरा शादी का फोटो दिखा दूंगी कभी, आप देख लीजिएगा तो पता चलेगा। अब तो कोरोना वोरोना का चक्कर चल रहा है, पूरा लॉकडाउन है। अभी तो इतना दूर दूर था तो डर रही थी, अभी पास में आ गया कोरोना, इधर ही बगल का घर में ही है, इधर ही बगल का घर में ही तीन लोग पॉजिटिव है। तो बीबीएमपी वाले आज आ गए टेस्ट कराने के लिए, मतलब हमारा सैंपल लेने के लिए। एक घर में हो तो अगल बगल में पड़ोस का सैंपल लेके जाते हैं, उन लोगों को पता चलता है एड्रेस से, तो फिर पड़ोस में आके सैंपल लेके जाते हैं। तो हमारे घर से लेके गए, पता नहीं अभी दो दिन हो जाएगा रिजल्ट के लिए, क्या आएगा पता नहीं। इधर तीन लोग हैं पॉजिटिव, क्या करें, कहाँ भागेंगे, पूरा दुनिया है, कहाँ भागेंगे। तो कितना हम अंदर भी, कितना भी अंदर रहे, दूध दूध तो लाना ही है ना, दूध सब्जी तो लाना ही है ना, तो जाना है, मैं वॉकिंग जाके दूध लेके आती हूँ। अभी तो डर लग रहा है, कुछ बहुत कुछ सुनने में आ जाता है तो नेगेटिव फीलिंग आ जाता है, क्या करें, भगवान का भरोसा रहना है, देखेंगे, देखते हैं अभी आज क्या बनाना है, खाना क्या बनाना है, अभी सोचना पड़ेगा, सोच के बाद में। अभी तो टेस्ट के लिए सैंपल लेके गए तो दो दिन बाहर जाएंगे नहीं रिजल्ट आने तक, क्या पता पॉजिटिव हो तो किसी और को क्यों तकलीफ दे, हमारे वजह से दूसरों को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। तो घर में ही है, अभी जो सब्जी है वो बना लूँगी, अभी देखती हूँ क्या बनाना है। मेरे हस्बैंड कुछ मंगाए हैं, देखती हूँ क्या मंगाए हैं, मुझे तो नहीं पता, मुझसे पूछे नहीं, वैसे ही मंगाए, देखती हूँ। ऑनलाइन से मंगाए हैं, अभी कोरोना के चक्कर में कोई भी दुकान में नहीं जा सकते हैं ना, लॉकडाउन है बेंगलुरु में, लॉकडाउन है तो बाहर नहीं जा सकते, ऑनलाइन मंगाए हैं मेरे हस्बैंड। क्या क्या मंगाए देखते हैं, पता नहीं, मुझे ही नहीं पता क्या क्या मंगाए हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स है, मैगी है, ये सब मेरे बच्चों के लिए, बच्चों को ये सब बहुत पसंद है, बेटी को खासकर, उसको दांत में दर्द है ना, वो क्लिप लगा के दर्द है तो कुछ कुछ खाना होता है, ये मैगी और भी है, नूडल्स है, जूस मंगाए हैं और पार्ले बिस्किट भी है। ये शायद मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ दो चार कुत्ते हैं उनके लिए खिलाते हैं हमेशा, तो उसके लिए लेके आए, उनके ऑफिस के बाहर जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता वहाँ,
भूखे रहते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता, ये बुरा लगता है कुत्ते भूखे हैं, तो देने के लिए लेके आए पार्ले। तो जाके कुत्तों को देंगे ऑफिस शुरू होने के बाद। अब ऑफिस छुट्टी है लॉकडाउन की वजह से। ये पुलियोगरे पाउडर है, हम लोग पुलियोगरे बनाते हैं, यहाँ बेंगलुरु वाला डिश है। और ये बेटी मंगाई है पास्ता, उसका दांत में दर्द है, जो भी हार्ड चीज़ नहीं खा पा रही है, कड़ा चीज़ नहीं खा पा रही है, इसीलिए ये सब मंगा रही है। ये बर्तन का ये है, या और भी एक जूस है, नमक मंगाए बेचाई है तो ये लेके आए। ये कुछ बिस्किट है, ये सब मंगाए। अभी बाहर नहीं जा सकते हैं ना लॉकडाउन में। ये MTR का है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का पाउडर है, बस वही है। बिस्किट दो चार पैकेट है, और ये नूडल्स है एक, और भी एक नमक का पैकेट है, बस इतना ही मंगाया है। चाहे तो फिर से मंगाएंगे ऑनलाइन। अब लॉकडाउन है, यहाँ जा नहीं सकते, ज़रूरत है घर में सामान का, क्या करेंगे, ऑनलाइन मंगाएंगे। घर में ला के देते हैं तो इजी हो जाता है। अब शाम को कुछ बनाएंगे अभी, मतलब घर में बोर बोर बोल रहे हैं बच्चे, घर में बैठे हैं सब लोग, बच्चे भी है, सभी है, हस्बैंड भी है, कुछ खाने के लिए कुछ बनाओ बोल रहे हैं, तो शाम के वक्त है, कुछ बनाना चाहिए। थोड़ा बादल भी छा गया है बेंगलुरु में, बारिश जैसे हो रहा है, थोड़ा छटपटा खाने का मन कर रहा है। घर में सभी लोग है तो खाने के लिए भी अच्छा लगता है, सभी लोग घर में ही है, नहीं तो कोई बाहर गए हैं तो आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, गरम गरम खाने को नहीं मिलता है। कोई ऑफिस से एक टाइम में आता है, कोई और एक टाइम में आता है, कॉल बेटी कॉलेज से दूसरे टाइम में आती है, तो साथ में मिलता नहीं है, मतलब बना के रख के फिर ठंडा हो के देना होता है। अभी सभी घर में है तो सभी साथ में खा सकते हैं ना। तो ये बटाटा आलू का जो पकोड़ा जैसे बनाते हैं हम लोग, अभी बनाते होंगे शायद, बटाटा वड़ा बोलते हैं, मैं इसे बनाती हूँ इसको, मतलब आलू अभी पका के स्मैश करके, मतलब उसको ऐसे करके रखी हूँ, और इसमें अभी हरी मिर्च और अदरक डाल दूँगी, हरी मिर्च अदरक जितना आपका तीखा चाहिए उतना डाल सकते हैं आप, और इसमें हींग डालूँगी थोड़ा सा, ये हींग इतना जितना अच्छा ज़्यादा है उतना अच्छा लगता है, हींग का स्मेल ज़्यादा आना चाहिए तभी अच्छा लगता है, और नमक टेस्ट के लिए नमक डाल रही हूँ, और ये बेसन घोल कर रखी हूँ, बेसन का पाउडर है, बेसन है, और इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाई हूँ बस, और इसमें एक नींबू भी डाल रही हूँ, ये भी अच्छा लगता है नींबू डालने से। नींबू डाल के पूरा नींबू डाल रही हूँ एक, तो इसको पूरा मिलाना है, ऐसे पूरा मिला के ऐसे गोल बना के रखी हूँ मैं आलू को। अभी इसको एक बेसन में डाल के उसको तेल में डालेंगे, तेल गरम नहीं हुआ अभी, रखी हूँ, इसमें डाल के मैं हमेशा शाम का नाश्ता घर में ही बनाती हूँ। हमें पहले बच्चे छोटे थे तो ज़्यादातर घर में बना देती, अभी आजकल बच्चे बाहर से ले आने लगे कुछ ना कुछ, बड़े हो गए ना, तो छोटे थे, जब छोटे थे तो सब कुछ घर में बना के दे देती, मैं बाहर से बहुत कम लाती थी,
नाश्ते का चीज़ जो भी है घर में ही बनाती थी इसे। जब स्कूल से आएंगे तब ये बना के देते थे, देती थी। तेल गरम हुआ तो भी डालूंगी मैं। ये तो सभी बनाते हैं ये नाश्ता, शायद आप लोग भी बनाते होंगे। बस ये लाल होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, निकालना है, खाना है बस। ये देखिए ये ऐसे लाल हो गया, देखिए बस हो गया। यही है आलू गड्ढे बोंडा बोलते हैं हम लोग। ये देखिए आलू गड्ढे बोंडा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो। धन्यवाद, थैंक यू।